वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल आज आप लोगों के लिए होममेड सोप लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पियर सोप से बताया था, आज मैं आप लोगों को डफ सोप से बताऊंगी। और लक्स से मैं बना चुकी हूँ सोप, इसलिए एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि सबसे अच्छा साबुन कौन सा बनता है, पियर से, डफ से या लक्स से। तो आज हम लक्स से बनाएंगे, आप पियर से ही बना सकती हैं और लक्स से भी, मेथड वही रहेगा, सिर्फ हमारा साबुन चेंज हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए लेंगे राइस फ्लोर, ये हमारे सनबर्न को प्रोटेक्शन देता है, रिंकल्स और लाफिंग लाइन को ख़त्म करता है और हमारी स्किन में ग्लोइंग लाता है जो एज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। वैसे राइस फ्लोर के बहुत सारे फ़वाद हैं, आप सिर्फ इसको दूध में मिला के भी अपने चेहरे पे लगा सकती हैं, स्पेशली रिंकल्स रिमूव करने के लिए ये बेहतरीन रेमेडीज है और हमारी स्किन को ब्राइटन भी करता है। और लाफिंग लाइन और रिंकल्स हमारे आँख के नीचे, पेशानी के ऊपर एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है, तो इसको बहुत हद तक रिमूव करता है। तो हम एक ऐसा साबुन बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हों और हमारे सारे मसलों का हल हमारे एक साबुन में हो जाए, ये नहीं कि एक एक चीज़ के लिए हमें कोई अलग अलग रेमेडीज़ अप्लाई करना पड़े। तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ही होममेड सोप बनाऊंगी जिसमें हमारे सारे प्रॉब्लम एक ही में ही सॉल्व हो जाएगा और जो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लाफिंग लाइन के, कलर डल के, ग्लोइंग हमारी स्किन नहीं होती, एक्नी प्रॉब्लम हमारी होती है, तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि एक ही होममेड सोप में आपको सारी चीज़ों की रेमेडीज़ मिल जाए और सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व आप एक से ही कर सकती हैं। उसके अलावा ये मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी हमारे स्क्रब का भी काम आता है जो हमारे डेड सेल को रिमूव करता है और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी कम करता है और सबसे बढ़ के जो ऑयली स्किन हमारी होती है इसको भी रिमूव करने में ये बहुत हद तक हेल्प करता है। इसको भी मैं कहूँगी रोज़ वाटर के साथ आप फ्रिज में रख दें भिगो के और हर दूसरे दिन आप ये लगाएंगे तो आपको ऑयल कंट्रोल आपके फेस से बहुत हो जाएगा, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के अपने बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन आज जो मैं सोप बनाऊंगी इसमें हम मुल्तानी मिट्टी भी शामिल करेंगे, क्योंकि मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि आज हम एक ऐसा सोप बनाएंगे जिसमें हमारे सारे प्रॉब्लम्स को एक ही सोप में हम अपने सारे प्रॉब्लम को हल कर लेंगे, हमें अलग अलग चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बाद में वो बड़ी हडिक होती है कि हम क्या चीज़ अप्लाई करें, राइस फ्लोर करें, मुल्तानी मिट्टी करें, तुलसी करें, बेसन करें। तो आज मेरी कोशिश होगी कि हम सारी चीज़ों का एक ही हल निकाल दें और वो है हमारा होममेड सोप। मैं बेसन शामिल करूंगी, ये बेसन बेस्ट फॉर इंस्टेंट फेयरनेस है, रिमूव करता हमारे एक्ने को और हमारी स्किन को क्लीन भी करता है और ब्लेमिशेस और पिंपल्स को ये रिमूव करता है। उसके अलावा जिसकी ऑयली स्किन हो वो इससे सिर्फ मूड होते हैं, लेकिन आज जो मैं सोप बताऊंगी आप लोगों को बनाना उसमें ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें अलग अलग कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, एक ही सोप में ही आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल है। और हम बेसन, वाइट राइस फ्लोर और मुल्तानी मिट्टी दो दो टेबल स्पून लेंगे, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे 1 टेबल स्पून हैं। ये तुलसी के पत्ते हैं जिसको मैंने घर ला के ब्लेंड किया है, ये हमारी स्किन को लाइटन करता है और जो स्किन इन्फेक्शन है उसको भी रिमूव करता है, हमारे पोर्स को क्लीन करता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है पिंपल्स और ब्लैक हेड्स से। ये आपको कहीं भी पंसारी की दुकान में या जहाँ हर्बल की शॉप होती है वहाँ आपको इजीली मिल जाएंगी चीज़ें। ये मैं दोबारा बता देती हूँ, मुल्तानी मिट्टी, बेसन और राइस फ्लोर हम 2-2 टेबल स्पून लेंगे, बाकी हमारी सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून होंगी, इसलिए कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। ये है ककुम्बर, इसमें विटामिन सी वाफिन मकदार में है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट्स करता है और जो स्वेलिंग हो जाती है हमारे आइज़ के ऊपर, ब्लैक सर्कल हो जाते हैं, इसको भी रिमूव करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी एलोवेरा और ककुम्बर का मैं स्किन टोनर बताऊंगी, वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं सो बता रही हूँ वो सारे मसलों का हल है। तो आप इस सोप के बाद उस टोनर को यूज़ कीजिए कंटिन्यू 1 महीने तक, तो इंशाल्लाह आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल है। एलोवेरा हम यूज़ कर रहे हैं, ये मॉइस्चराइज़र है ये हमारी स्किन के लिए और ड्राइनेस को रिमूव करता है, डल स्किन को रिमूव करता है, जो स्पेशली लाफिंग लाइन और रिंकल्स हमारे हो जाते हैं एज बढ़ने के साथ साथ, इसको भी बहुत हद तक ये रिमूव करता है। ये आप, मैंने ये सईद गनी का लिया है, आप जो नेचुरल होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये संदल ऑयल है, मैं चाहूँ तो लेवेंडर ऑयल भी ले सकती हूँ, लेकिन ये 280 का है, तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मैं नहीं बताऊँगी, ये मैं 60 रुपीज़ का लेकर आई हूँ, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और जो सारे स्किन के
इन्फेक्शन और डिजीज होते हैं इसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, ब्लेमिशेस को कम करता है हमारे इन्फेक्शन को, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। सिर्फ 2-3 ड्रॉप डालिएगा आप। ये अर्क गुलाब है, अर्क गुलाब हर चीज़ में आप नेचुरल फ्रेग्रेंस लाता है, और पानी के बजाय आप कोई भी चीज़ ब्लेंड करना चाहें तो वो आप अर्क गुलाब में कर सकती हैं। ये मेरे पास कुछ मोल्ड है जिसमें खीर आई थी मेरे ख्याल में, तो उसको मैंने साफ करके इसको मोल्ड बनाया है। पहले आप पेट्रोलियम जेली से इसको ग्रीस कर लें, उसके बाद फिर हम इसमें ये इसको जमाएंगे, फ्रीज़र में रख दें या बाहर रूम टेम्परेचर भी ये फ्रीज हो सकता है, लेकिन मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ क्योंकि हमारी चीज़ सेफ़ रहती है, क्योंकि हमने कोई इसमें केमिकल नहीं डाला प्रिजर्व करने के लिए, सब चीज़ें नेचुरल है। तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि आप चीज़ें बिल्कुल सेफ़ रहें। अब हम मैं आप लोगों को डव सोप का बता रही हूँ, तो ये डव सोप आप ग्रेट कर लें। अगर आप दूसरा सोप यूज़ कर रही हैं तो उसको भी ग्रेट कर लीजिएगा, बारीक ग्रेट करें ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और आप इस वीडियो के एंड में मैं ज़रूर बताऊंगी कि कौन सा सोप हमारे लिए बेहतर है ये होममेड सोप बनाने के लिए। मैं इंशाल्लाह कॉस्टिक सोडा के ज़रूर सोप बताऊंगी, क्योंकि मैं इसमें रिसर्च कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरे व्यूवर्स को कोई प्रॉब्लम हो, स्किन प्रॉब्लम, तो मैं उसका इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको आप ग्रेट कर लीजिएगा, फिर हम इसमें डबल बॉयलर में इसको हम मेल्ट करेंगे। हमारा रेडी है, अब हम मोल्ड में डालेंगे। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाह रही थी और दिखाना चाह रही थी कि जो आपने पेयर सोप के साथ हमारा देखा था वीडियो कि मैंने सोप कैसे तैयार किया था, और ये डव सोप के साथ आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि पेयर बेटर है या डव बेटर है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगी कि मुझे पेयर सोप ज़्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन इसकी देखें कंडीशन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ना इतना अच्छे से मेल्ट हुआ है हमारे ये साबुन। क्योंकि मुझे मेरे पेज पे पूछा गया था कि आपने पेयर सोप से बताया, हमें इसके अलावा भी कोई और सोप बताइए, तो मैंने ये चीज़ें, मुझे पता है कि मेरी चीज़ें ज़ाया हो गई हैं सारी, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि विच सोप इज़ बेटर फॉर मेकिंग होम मेड सोप, कि हमें पेयर सोप ज़्यादा बेटर है या डव सोप, ये तो आप ही फैसला करेंगे देखने के बाद। सोप रेडी है, ये डव सोप के साथ मैंने बनाया है, और इसमें देखें इतना ज़्यादा मुझे झाग नज़र नहीं आ रहा है। और ये हमने पेयर सोप के साथ बनाया था, ये मैंने लक सोप के साथ बनाया, तीनों मैंने सोप के साथ बनाए और एक्सपेरिमेंट मैंने किया ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर चीज़ बता सकूं कि अगर आप अपने घर में बना रही हैं तो कौन से सोप के साथ आप अपने होममेड सोप बना सकती हैं। तो मेरे ख्याल में पेयर सोप इट्स बेटर फॉर होममेड सोप, कि आप अपने घर में बना रही हैं तो पेयर सोप के साथ बनाइएगा। मैंने लक्स और डव के साथ बनाया है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।